किया बांधे, पांच कलर वो है, वो जोधपुरी सांपो है, पांच कलर है इनमें, किया बांधे की टाइप बांधे, किया स्टेप बाय स्टेप बांधे, कहीं से आप पहलो पट्टो लिया करे, हर टाइप में आपने बताओ। दोस्तों लोकेंद्र सिंह जी मेरे साथ खड़े हैं और स्वागत है एक बार पुनः आपका चैनल यात्रा मास्टर पे। और हम श्री लक्ष्मी सापा एंड शेरवानी हाउस के शोरूम में खड़े हैं अभी। और मैंने आपको बताया था कि ये सापा बांधने के बहुत तगड़े कलाकार हैं, तरह तरह के राजस्थानी जो सापे हैं, चाहे वो जोधपुरी सापा हो, चाहे वो गलसाई सापा हो, सुरंगे वाला सापा हो, गोल सापा हो, हर तरह के सापे ये उसमें मास्टर हैं, बांधते हैं और बहुत फास्ट तरीके से बांधते हैं। लेकिन आज हम यहाँ फास्ट तरीके से नहीं बांधेंगे, मैं चाहता हूँ कि इनका सापा बांधने का जो तरीका है वो हमें अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन करके बताएं। मैं छोटा सा एक वीडियो बनाऊंगा इनका सापा, जिसमें अपने को ये ट्यूटोरियल भी साथ में देते रहेंगे किस तरह से अपने को स्टार्ट करना है सापे को और किस तरह से उसको बांधते चले जाना है, ये सारी चीज़ें लोकेंद्र सिंह जी की बताएंगे। लोकेंद्र सिंह जी दर्शकों से जय माता जी की, जय माता जी। आप लोकेंद्र सिंह जी और अभी हम इनसे सापा बांधना सीखते हैं। हाँ बोलता भी जाए। और अब हम आपको लोकेंद्र जी के द्वारा सापा कैसे बांधा जाता है और राजपूती सापा, जोधपुरी सापा, ये पतरंगा सापा है, पतरंगा ही है ना? हाँ पतरंगा ही है। ये पतरंगा सापा है और सापा बांधने के बाद में कैसा दिखेगा और किस आसान तरीके से लोकेंद्र सिंह जी इस सापे को बांधते हैं वो सारा इसमें मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। हाँ जय माता जी। मैं आज आपने बताऊँ पतरंगी सापो किया बांधे, पांच कलर वो है, वो जोधपुरी सापो है, पांच कलर है इनमें, किया बांधे की टाइप बांधे, किया स्टेप बाय स्टेप बांधे, कहीं से आप पहलो पट्टो लिया करे, हर टाइप में आपने बताओ। एक तो एक सापो एक मिनट में एक सापो बांध देवा, आधी मिनट में बांध देवा, 30 सेकंड में बांध देवा, मिनिमम 18 सेकंड में भी सापो बांध सका। लेकिन आप कहें एक्चुअली में वो सापो पूरा 5 मिनट में बांधना, 5 या 4 मिनट में बांध देवा या 2 मिनट में, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बताओ, क्योंकि भी मैं कहीं सीख बो कौन आप सापो बांधना ना हो कि भाई जन सीख कौन सका मैं फास्ट बांध दूँ, तो मैं था धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप बताओ। बेल पोत पटो लिया करें आप, पतरंगी सापो है, चौंदड़ी प्रिंट पतरंगी है, बोलिया करें जोधपुर रंगी जाया करें अपरो मलमल को है, वो प्रिंट पतरंगी सापो चौंदड़ी प्रिंट पतरंगी विलायती पोत है। पहले बहुत पट्टो लिया करे वो ही टाइप लिया करे, स्टेप बाई स्टेप पट्टो लिए जाओ इधर और इसके बाद में अब पट्टा बनाएंगे हम, अब पट्टे बनेंगे इसके ऊपर। हम एक स्टेप बाई स्टेप पट्टे बनाने की सीखेंगे, ऊपर से फोल्ड किया थोड़ा, फिर नीचे से किया, फिर वापस किया, फिर पूरा पट्टा लेंगे, ये ऊपर आ गया पूरा। सेम सिचुएशन में पट्टे लेने, 8-10 पट्टे लें सेम लेने एक साथ। अब ये पीछे गांठ लगाना सीखूंगा। अच्छा ये गांठ लगेगी यहाँ पे। अच्छा इसको ऐसे निकाल के और ये बांध दिया, वेरी गुड। अच्छा ये ऊपर आ जाएगी है ना।
ये कलंगी टाइप हो गए ना, कलंगी बोलते हैं वो हो गई। और ये पीछे सुरंगा कितना लंबा रह गया इसके? ये कमर से? हाँ बस ये पर्याप्त है इतना। ये अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये है पचरंगी साफा, जिसे सुरंगेदार साफा बोलते हैं, जोधपुरी साफा भी इसे बोलते हैं ना। हाँ जोधपुरी साफा। साइड से दिखाना एक बार। हाँ ये साफा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसको एक दो बार देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे, तो प्रयास कर सकते हैं आप सीखने का। एक बार में नहीं समझ में आएगा आपके और नहीं बंध पाएगा, लेकिन अगर आप प्रयास करते हैं इसको बांधने का स्टेप बाई स्टेप, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से इसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों दोस्तों लोकेंद्र जी ने हमें साफा बांधना सिखाया स्टेप बाई स्टेप। मैं समझता हूँ कि आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको इन्होंने एक ट्यूटोरियल दिया आपको साफा बांधने का। अब लोकेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, कैसे होगा? तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि साफा बांधने का जो तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ये लोकेंद्र जी ने मुझे, अरे वाह भाई वाह वाह। कैसा लग रहा है दोस्तों जैसा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर ये पसंद आता है आपको तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और एक कमेंट निश्चित रूप से छोड़ें कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के कल्चर और टूरिज़्म से संबंधित वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।